फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ पास्ता। तो मैं किस तरह से बनाऊंगी तो बने रही मेरे चैनल पर। पास्ते को पहले हम 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धोएंगे कि जो भी गंदगी होगी वो सारी निकल जाएगी। ये खुला वाला पास्ता, ये पैकेट वाला नहीं है। तो थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से इसे हम धो लें। पास्ते को 3 से 4 पानी से हमने अच्छी तरह से धो लिया। ये देखिए कितना साफ साफ पास्ता दिखने लगा है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, रिश्तेदार में शेयर करिए। तो आप चलते हैं गैस के पास। तो पास्ता अच्छी तरह से हमारा धुल चुका है। कढ़ाई को रख दिया हमने इंडक्शन कुकर। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 लीटर पानी गर्म होने के लिए। पानी में हम 1/2 चम्मच नमक डाल ले हैं, रिफाइन ऑयल डाल ले हैं। नमक तेल डालने के बाद भी एक बार हम इस तरह से चला दें तो सारी चीज़ें हमारी पानी में मिस हो जाएं। जो हम पास्ता डालेंगे वो हमारा बिल्कुल चिपकेगा नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है चिपचिपा टाइम में पास्ता बनता है, तो बिल्कुल हमें खिला खिला पास्ता बनाना है। तो बस एक बॉल आ जाए इसके बाद हम पास्ता डालेंगे। ये अच्छी तरह से पकने लगा है तो अब हम इसमें डालेंगे पास्ता। तो हमने धोया है तो चिपक गया है, तो इसको इस तरह से छुटा छुटा कर डालना है, बिल्कुल खिला खिला हमारा पास्ता बने। ये देखिए डालने के बाद में फिर से हम चलाएंगे क्योंकि एक दूसरे में पास्ता चपके ना। तो ये देखिए बिल्कुल अलग अलग है, इसी तरह से बराबर चलाते रहना है बीच बीच में। तो हमने 2 मिनट के लिए अभी छोड़ दिया है, इसके बाद में हम चलाएंगे। मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, देखिए पास्ता बिल्कुल एक दूसरे में चिपका नहीं है। तो बस अब इसको हम ढककर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। तो हमने ढक दिया है। तो जब तक हमारा पास्ता बॉयल हुआ तब तक हमने सब्जियों की तैयारी कर ली। तो हमने 2 बड़े साइज के हमने प्याज कट किया है, 3 टमाटर का हमने पेस्ट बनाया है, 1 हमने शिमला मिर्च कट किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, 2 से 3 हमने हरी मिर्चियाँ काटी। आपके पास जो भी सब्जियां हो, बीन्स, गाजर, पत्ता गोभी, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो हम चलते हैं अब इंडक्शन के पास। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पास्ते को बॉयल होते हुए। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरह से पास्ता बॉयल हुआ है, कोई भी टूटा नहीं, कोई चिपका नहीं। तो अब चलते हैं ठंडे पानी से एक बार हमें इसको धोना है। तो पहले करते हैं इंडक्शन को बंद। तो इसको पहले हम धो लें ठंडे पानी से। पास्ते को हमने कढ़ाई से निकाल के एक छन्ने में कर लिया है और जो इसका पानी निकला है तो थोड़ा सा हमें कटोरी में लेना है, ये बहुत ज़रूरी है ग्रेवी के लिए। अब इसको हम ठंडे पानी से धोएंगे। ठंडे पानी धोने से ये हो जाता है कि बिल्कुल पास्ता हमारा चिपकेगा नहीं और बहुत खिला खिला पास्ता बनेगा। तो पास्ता हमारा धुल कर रेडी हो चुका है, अब चलते हैं गैस के पास। कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है तो इसमें हम डालें सरसों का तेल। आप सरसों का ही तेल पास्ते में यूज़ करें। तो हमने 1 चम्मच तेल ले लिया है, अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तेल अच्छी तरह से पक चुका है तो इसमें हम डाले दे रहे हैं कटी हुई प्याज। तो मुझे पकाना नहीं है इसको, हमको हल्का सोटे करना है, लाइट कलर में बिल्कुल नहीं पकाना है। तो कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से प्याज को हमें हल्का सा पका लें। तो देखिए हमने इस तरह से प्याज पकाई है। तो प्याज का बहुत ध्यान रखना है, प्याज ना हमारी पके ना जले और बिल्कुल हल्की लाइट कलर की सोटे टाइम में प्याज रहे। तो ये देखिए बस इतनी ही हमें प्याज पकाना है। इसी बीच में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हम 1/2 अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो उसको भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से हमें पकाना है। इसके लिए हम हल्दी डाले 1 चम्मच भरकर कश्मीरी मिर्च डाले हैं। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से अब हम चलाएंगे 1 से 2 मिनट तक। हल्दी को पकाना है, कच्चा पन्ना रह जाए। हल्दी जो कश्मीरी मिर्च डाली थी वो अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे पिसे हुए टमाटर। तो पानी बिल्कुल हमें नहीं डालना, बस धीमी आँच में हमको 1 से 2 मिनट तक पकाना है। टमाटर डाले हैं तो पिसा नमक तो बनता है, तो स्वाद अनुसार हम नमक डाल लेंगे तो टमाटर अच्छी तरह से और पक जाएंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से टमाटर पक रहे हैं। तो इसी बीच में अब हम शिमला मिर्च को भी डाले दे रहे हैं, हरी मिर्च को भी डाले दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ें डालने के बाद में अब अच्छी तरह से हमको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। इससे ज़्यादा हो चुका है टमाटर को और शिमला मिर्च को पकते, तो इसमें 1 चम्मच हम डाले हैं काली मिर्च। इसको फिर से हमें चलाना है। 1 चम्मच जाएगा गर्म मसाला। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद में अब अच्छी तरह से हमको बुनाई करनी है 2 से 3 मिनट तक। मसाले सारी सब्जियां पक चुकी हैं तो अब इसमें हम डाल रहे हैं पास्ता। ये देखिए कितना खिला खिला पास्ता हमारा बनकर तैयार हो रहा है। तो मसाले के साथ में ऊपर नीचे हमें करना है। ये देखिए कितना बढ़िया तरह से पास्ता बनकर तैयार हो रहा है माशाल्लाह से, बिल्कुल अलग अलग, कोई भी चिपका नहीं पास्ता हमारा। तो इस तरह से एक बार हमको मिलाना है मसाले के साथ में। ये देखिए तो अच्छी तरह से हम मिला दें, इसको अच्छी तरह से मसाले में मिला दिया। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया तरह से बना है। तो बस अब इसमें हम डालेंगे जो हमने पानी निकाला था पास्ते का, वो डाल लें इस तरह से। अब फिर से हमको ऊपर नीचे करना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हो रहा है। तो 2 मिनट के लिए हम ढककर अब पकाएंगे मसाले के साथ में। तो
तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पास्ते को बनते हुए, तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया टेस्टी पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितना बढ़िया बना है। पास्ते को एक बाउल में हम ट्रांसफ़र करें दे रहे हैं। ये देखिए कितना लाजवाब पास्ता बनकर तैयार हुआ है। खिला खिला पास्ता बनकर तैयार हो चुका है सुबह के नाश्ते के साथ में। आप लोगों ने पूरी रेसिपी देखी होगी मैंने किस तरह से हमने आज पास्ता की रेसिपी बनाई है। तो अगर आज की रेसिपी हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।